नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज जारी नजर डालता हूँ आज की कुछ खास खबरों पर। आचार संहिता लागू होने की हटने लगे बैनर। सोनभद्र में चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के पालन करने का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया गया। सदर कोतवाल नवीन तिवारी ने अन्य कर्मचारियों को साथ लेकर कस्बे व आसपास के चौराहे पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर आदि को चौराहों के साथ ही बिजली के खम्भों व अन्य सार्वजनिक स्थानों से उतरवाया। इसके साथ ही सदर कोतवाल ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति से बैनर व पोस्टर लगवाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। जो है 21 अप्रैल 2019 नाम निर्देशन का, इसके बाद नाम निर्देशन की जांच की जाती है। जो नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाते हैं उनकी समीक्षा की जाती है, स्क्रूटनी जिसको कहा जाता है, स्क्रूटनी 21 तारीख को की जाएगी। 30 अप्रैल का जो दिनांक है वो 23 तारीख है, 23 मई 2019 को मतगणना कराई जाएगी। क्योंकि हमारा इलेक्शन का शेड्यूल है, निर्वाचन का शेड्यूल है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कल जारी भी किया गया। अभी हमने कुछ देर पहले 100% बूथ पे 100% बूथों पे वीवीपैट मशीन प्रयोग की जाएंगी। उनके बारे में उनको बाहर से आए हैं, उनका वॉक पोल का डेमोन्स्ट्रेशन वॉक पोल भी हो रहा है जिसमें बाहर से इंजीनियर भी आए हैं, तो वहां पता है कि किसको उन्होंने वोट दिया, उसका सिंपल मशीन होकर आता है और वो उसी मशीन में नीचे वोट जमा। इसको अधिक से अधिक हम लोग इसकी जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो उसके आज 10 दिन बाद तक कुछ बचता है, उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद तक। सोनभद्र से शक्ति पाल की एक रिपोर्ट।